नथिंग टू डू विद बीजेपी। बीजेपी का इन्हें की लेना देना, एक कानून है, कानूनन तौर पर साढ़े कई लीडर ने जेलों च गए, पैरोल मिल जाती है उन्होंने। इल्जाम ना लाउणगे सब तो पहला तो मैं शुभ कामनावां दिंदा चन्नी साहब नूं। जे उन्हां दी नीयत साफ होवे ते उन्हां नूं मालक कामयाब करे। पर वह जिहड़ा हुण इल्जाम नवां जिहा लग गया, इधर ना तुरन। जे अपने आप नूं गरीब दा पुत्तर कहिंदे ते फिर एता रुता फकण दी कोई लोड़ नहीं। इह ना होवे पहाड़ां नूं समुंदर बना देवे ते समुंदर नूं पहाड़ बना देवे। जंगल च ते रुख उगणे चाहीदे आ, ठंडियां हवावां आउण। जे जंगलां चों वी रेता कढ़न लग पिया ते हालत की होएगी? ऐ लोगो, ऐ लीडर साहिबानों, तुसीं रेता फकण जोगे रहि गए हो। इस धरती का ख्याल करो, फिक्र करो बच्चों का। और कोई चिट्टे की गल चलती है, कभी कभी रेता की गल चलती है, कभी छड़ो करप्शन। आखिर मारी जाना, जिन्नियां कु जरूरत उन्ने कु पैसे जरूर आ, बाकी कचरा ही आ। कचरा इकट्ठा ना करो, इस मुल्क नू बचाओ, इस मेरे सोहणे देश पंजाब नू बचाओ। ये देश हुंदा सी, इहनू कितें देश कहिंदे हुंदे सी। हौली 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 यह श्रिंक हुंदा गया, हुण बहुत बुरी हालत है। मैं अपील भी करता हाँ कि चज के बंद चुनो। एक करी सरकार प्रैक्टिकली अगर सोचो तो बीजेपी की सरकार सेंटर च है, बीजेपी की इतने पंजाब आ गई, तो फिर मेरा ख्याल नहीं कोई सानू बाद विच कोई सानू पछताना पवे। साहब, एक बड़े लंबे समय तो किसान अंदोलन के रूप से पार्टी ने संताप हो गया जी, तो तुम पिंड वोट बैंक में किवें लैंदे हो? देखो, अंदोलन जिहड़ा वाकई बदकिस्मती सी। अंदोलन जिंदा कौमां ही करदियां। मैं सत्कारयोग सारे अंदोलन जिन्होंने किया उन्होंने पहला वधाई दिना कि तुसी टिके रहे, तुसी सिरड रहे, तुसी जदों फिर भंगड़े पाउंदे आए वह भी चंगा लगा। लेकिन पंजाब वसदा गुरां दे नां ते, जे एक प्रधानमंत्री मुल्क दा हो के जिहड़ा इंटरनेशनल कनेडे वैसे फिर तुर जांदे जदों, तो उत्थे हज़ारां लोग इकट्ठे हो जांदे आ ते तुसी रोकदे आ। जदों इत्थे अनाउंसमेंट करदा आ के ते वह किसानां ने नहीं रोकिया। वह जिहड़ी शरारती पार्टी राज करदी आ इस टाइम, जां जिहड़े शुरू तो कहिंदे साडी गरीबां दी पार्टी, उन्हां ने रोकिया। मेरी इक्को ही बेनती आ कि अंदोलन हो गया, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि समझने में और समझाने में कोई कमी रह गई है। कौन चाहता है डीफेम हो? कौन सा पॉलिटिशियन चाहता मैं बदनाम हूँ? मैं फिर भी चाहे अनचाहे जे कुछ हो गया, किसानां तों भी माफ़ी मंगदा, पंजाब तों स्पैशली माफ़ी मंगदा, पूरे भारत तों माफ़ी मंगदा। ते पंजाब वसदा गुरां दे नां ते, ओए गुरु तो घर आए नूं सीने नाल, दुश्मनां नूं भी असीं तो शरबत बनाउण वाले हाँ। असीं तो दुश्मनां दी मरम पट्टी असीं भाई कन्हैये नूं भुल गए। असीं घर आए मेहमान नूं मोड़िया, पता नहीं की अनाउंसमेंट्स करनियां चाहुंदे। हुण किहड़ा उहने रुक जाणा? ओह रिवेंजफुल थोड़ी परसनैलिटी, ओह वड्डे लोक आ। उन्होंने कहा मैं पंजाब लई ते सिखां लई ते पंजाबियां लई बहुत वरिड हैं, कंसर्नड हैं। इस सूबे नूं बचाओ, ये बॉर्डर स्टेट है, इत्थे ये जरखेज़ धरती चाहीदी है। मैनूं उहो जिहा पंजाब चाहीदा। बहुत शानदार, असीं भी एक वड्डा प्रोग्राम भी कीता जिन्ने कि इजाजत है। उस डिसिपलिन च रह के फिर पूरे मोगे दे बाज़ारां विच भी घूमे आ। लोग बहुत एक्साइटेड आ, बहुत अच्छी तरह बॉडी लैंग्वेज तो उन्होंने वेव्स करन तो पता लग जाता भाई। ये फायदा जिहड़ा भी ये गल कर रहा है उहदा मतलब यही आ इंजन डबल दा, कि जिहड़ी सेंटर च पार्टी आ उही सूबे च होएगी ते डिवेलपमेंट फिर होएगी। आपां सदियां तो बिना ही गल तो आडा लाई रखदे दिल्ली नाल, ते आपां इस मुल्क दे वासी आ। आपां डेमोक्रेटिक मुल्क है, अपना ही प्रधानमंत्री है, अपनी सेंटर च सरकार होवे, अपनी सूबे च होवे, फिर अपना मुहब्बत नाल सारा चले सिलसिला। और आप सख्त दौर चो गुजर रहे लोग हैं। पंजाब है जिहड़ा हाशिए ते आया होया, कोई जमाना सी प्रोफेसर मोहनसों लिखते सी भारत है वांग मुंदरी विच नग पंजाब दा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चिंतन करन दी लोड़ है, सोचन दी लोड़ है, विचार करन दी लोड़ है कि साढ़े बच्चे इन्ना
परेशान क्यों हाँ, यूथ जॉबलैस क्यों हाँ, साड़ियाँ धियाँ टैंकियाँ से क्यों चढ़ रही, साडा पानी की की हालत है, साड़ी खेतीबाड़ी की हालत है, साड़ी इंडस्ट्री की की हालत है, हैल्थ नू लैके असी नहीं वरिड। तो वो जिहड़े सूबे सब तो पिछे हुंदे सी, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा आ, तुसीं देखिया की हालत, आपां दिल्ली नू जांदे रहे आ, अज जाओ कमाल करनाल पानीपत गुड़गांव चल जाओ, ऐं लगदा जिवें फॉरन च साड़ी, क्योंकि पंजाब च ही सीना तड़कदा। बेशक मैं दिल्ली तो एम पी हाँ, मेरा दिल करता ये भी एक जिस तरह हुंदा सी जिस तरह का पंजाब, उस तरह हरिया भरिया नचदा गाँवदा मुस्कुराहटा चाहिए हर चेहरे।